हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, आपको पता, हम काफ़ी टाइम से एक स्कॉर्पियो एन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि गाड़ी का ड्राइव कैसा है, गाड़ी की चीज़ें कैसी हैं। अभी हम लोग ना इस कार का माइलेज भी टेस्ट करेंगे कि ये गाड़ी एग्जैक्टली हमें एज़ पर ARAI, तो हम लोग बहुत बातें करते हैं और हमेशा हम लोग बोलते हैं कि इसको थोड़ा कम ही कर लेना दोस्त। तो इस कार के साथ भी हम लोग यही करने वाले हैं, हम इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करेंगे कि ARAI जितना बोलता है उतना ही निकल के आती है, उससे कितनी कम आती है। कम तो आएगी ऑब्वियसली, कितनी कम आती है वो टेस्ट करेंगे। रियल टाइम में हमें स्कॉर्पियो एन कितनी एवरेज देती है, आज बात करते हैं उसके ऊपर। आइए सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप, गाड़ी को फुल करवाते हैं। देखिए इस कार में और आजकल जितनी भी कार है उनमें सबसे अच्छी चीज़ आ गई कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो गाड़ी आपकी जान खा जाएगी। कि भैया बेल्ट लगा लीजिए, सेफ्टी इज़ योर प्रायोरिटी। अब हम चल रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ। गाड़ी में फ्यूल ऑलमोस्ट फुल है, अगर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और पूरा फुल करा के ही माइलेज टेस्ट की जाती है, तो उसको पूरा फुल करा लेते हैं। और ये हम ऑटो कट तक कराएंगे, इसमें हम वो एक्स्ट्रा वाला नहीं कराएंगे। मैं कभी किसी कार में नहीं कराती कि हाँ यार 50 रुपये का और डाल दो, उसको राउंड फिगर कर दो, नहीं कराना चाहिए। ऑटो कट में ही डलाइए इसे। ये शुक्र है कि स्कॉर्पियो इनको थार की तरह चाबी से नहीं खुलना पड़ता। ये फुल कर दीजिए ऑटो कट तक। और 4.70 लीटर आया है इसके अंदर। छूने से तो नहीं हो गया? हाँ, मैंने यहाँ से छुआ। भैया को लग रहा है मैंने जैसे ही छुआ वो ऑटो कट हो गया। मैंने पीछे से मैंने बहुत पीछे से किया था। हाँ यार, मुझे लग रहा था गाड़ी ऑलमोस्ट फुल है, लेकिन तब भी 421 रुपये का और आ गया है इसके अंदर। चलिए पे करते हैं और चलते हैं, फिर करेंगे माइलेज टेस्ट। अच्छे लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। चलिए सर आ जाइए। अब कार हो गई है हमारी फुल। अब देखिए, हमने ना यहाँ पर अपना ट्रिप ए और ट्रिप बी, मैंने दोनों ही ट्रिप को यहाँ पर ज़ीरो कर लिया है ताकि हम इजीली यहाँ पर चेक कर सकें। चलिए देखिए, जब भी हम लोग माइलेज की बात करते हैं ना, तो सिटी और हाईवे के ऊपर अलग अलग माइलेज होती है हमारी। ऑब्वियसली कि सिटी में थोड़ा सा हमारा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का इशू होता है, जैसे अभी मैं ज़रा सा निकली हूँ पेट्रोल पंप से और ट्रैफिक आ गया है मेरा। और जब हम हाईवे पे होते हैं तो बहुत अच्छा खासा हम लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय करते हैं, ज़्यादा ब्रेक नहीं लेते हैं। गाड़ी एक पर्टिकुलर एक स्पीड को सेट करके गाड़ी को आप चला सकते हैं, क्रूज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग सिटी में करेंगे, 30-40-50 किलोमीटर सिटी में चलाते हैं, और कुछ किलोमीटर हम इसको किसी एक्सप्रेस वे वगैरह पर लेके जाते हैं और फिर क्लब अप करके इसकी माइलेज निकालेंगे कि एग्जैक्टली हमें मिलता क्या है। क्योंकि ये नहीं होता ना कि हर टाइम ही ट्रैफिक हो, या ये नहीं होता कि हर टाइम ही खाली हो, तो वो मिक्स वाला एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे आज। और एक और माइलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमारा AC के, जैसे आपका AC ऑन है तो आपकी माइलेज कम होगी। तो यहाँ पर मैं इसको 18 डिग्रीज पर ही रखने वाली हूँ, जो मेरा यूजुअली हर कार में होता है। गर्मी आ चुकी है तो वैसे भी लो पे भी नहीं रखती मैं, और 19-20 पे भी नहीं जाती, मेरा 18 ही है जो सेट रहता है हमेशा। तो 18 पे हम इसको सेट रखेंगे और उसमें ही पूरी माइलेज को टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर माइलेज अगेन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का थोड़ा सा वेरिएशन होता है। ऑटोमेटिक में आपको थोड़ा कम मिलता है, तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक ही ड्राइव कर रहे हैं। डीजल ऑटोमेटिक ये कार है जो मैं इस टाइम पर ड्राइव कर रही हूँ। और यार एक चीज़ मुझे लगता है मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अगर आप स्कॉर्पियो एन को प्लान कर रहे हो तो यार यहाँ पर ना आप इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदिएगा, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया गया, इतना इम्प्रूवमेंट है कि आप पहले वाली अगर कार से कंपेयर कर रहे हो, पहले स्कॉर्पियो से कंपेयर कर रहे हो, तो बिल्कुल गलत है। इंजन पे इतना रिफाइनमेंट है, गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैनुअल लेने की गलती मत करना, गो फॉर ऑटोमेटिक। एंड यस, थैंक यू बोलोगे आप मुझे बाद। और यार ये ना, जहाँ पर जैसे दिल्ली से अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरठ की तरफ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा मिक्स हमें रास्ता मिलने वाला है। मिक्स इन द सेंस, कहीं पर
बहुत ट्रैफिक होने वाला है, कहीं पर बहुत खाली होने वाला है, तो मज़ा आएगा। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे तो ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा आदत है कि पूछिए मत। और जो मैं गुड़गांव से अप डाउन करती हूँ बहुत बार शाम वगैरह को 6-7 बजे, आप एक बार निकल जाओ बस गुड़गांव से दिल्ली आने के लिए, तो बस मज़ा ही आ जाएगा आपको। इतना ट्रैफिक, मतलब घर वालों को बोल दो फिर तो कि 40 मिनट का रास्ता है ना यार, मैं 2 घंटे में तो आ जाऊँगी। चलिए अब हमारा सिटी का ड्राइव हो गया ओवर, सिटी क्रॉस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 31.9 किलोमीटर, मतलब 32 किलोमीटर के करीब हमने सिटी में चलाया है। अब हम लोग एंटर करेंगे एक्सप्रेसवे को, और ये है हमारा मेरठ एक्सप्रेसवे, जो बहुत ज़बरदस्त है। और अब भगाएंगे गाड़ी को, लेकिन स्पीड लिमिट को ध्यान में रख के, क्योंकि बहुत कैमरे हैं इसके अंदर। कितनी ज़्यादा प्यारी जगह है, इतना सुंदर लग रहा है। और हमने 30-32 किलोमीटर की अप्रॉक्स सिटी में चलाई थी, और अब हम चाहते हैं 30-32 किलोमीटर ही मेरे हो चुके हैं, और मेरे को बस मेरी उम्मीद है कि जल्दी से मुझे पेट्रोल पंप मिल जाए ताकि मैं एग्जैक्ट इसकी माइलेज निकाल पाऊँ, क्योंकि हम मिक्स माइलेज निकालना चाह रहे हैं कि कहीं पर हमने भीड़ में चलाई, कहीं हमने थोड़ा खाली में चलाई। और खाली सड़क मिलते ही आपको गाड़ी का पंजा दबाने का मन करता है, आपको रेव करने का मन करता है, लेकिन हर जगह स्पीड लिमिट है यार। चलिए अब आ गया है पंप, और अब हम इसमें भरवा लेते हैं डीजल। चलो देखते हैं कितने का आएगा। मेरा तो खुद ही मन है कि खोल के और डाल के नोजल फुल कर दूं। चलिए जी अब निकालते हैं इसकी एवरेज, थोड़ा यहाँ से हट जाते हैं क्योंकि हमारे चक्कर में बाकी लोगों को वेट नहीं करना चाहिए। थोड़ा साइड में लगाती हूँ गाड़ी, फिर कैलकुलेट करते हैं, इसकी माइलेज पता चलेगी आज हमें रियल टाइम। X7 की भी मैंने आपको बताई थी, लेजेंडर की भी मैंने आपको बताई थी, थार की भी हम लोग बता चुके हैं, बहुत सारी गाड़ियों की निकालते रहते हैं। आज स्कॉर्पियो N की बारी है कि ये हमें कितनी माइलेज देती है। मेरठ में आके इसकी माइलेज टेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 67.5 किलोमीटर है, जब मैंने टैंक फुल कराया था उस टाइम से लेकर अब तक मैंने 67.5 किलोमीटर चला दी है। अब मैंने इसको फिर से फुल करा दिया है और मेरा फ्यूल लगा है इसमें 4.54 लीटर्स। तो एवरेज निकालनी है मुझे, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, 67.5 को मैं डिवाइड कर दूँगी यहाँ पर 4.54 से, 4.54, एंड द रिज़ल्ट इज़ दिस। अप्रॉक्सीमेटली 15 की एवरेज दे रही है ये। और ये जो मेरी माइलेज है, जो मैं 14.86 जो आया है, ये मेरी बिल्कुल मिक्स माइलेज है। मीन्स मैंने यहाँ पे 32 किलोमीटर के करीब हार्ड कोर ट्रैफिक में चलाया, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर वाले ट्रैफिक में, पूरा भीड़ भड़के वाले में, और इतने ही किलोमीटर्स हमने इसको बिल्कुल खाली रोड पे चलाया, एक्सप्रेसवे के ऊपर चलाया। तो माइलेज के टर्म्स में हम बोल सकते हैं स्कॉर्पियो N इज़ गुड, अच्छी खासी एवरेज दे रही है आपको ये। और ये कोई ARAI की फिगर नहीं है, उनका कोई नंबर नहीं है, ये हमने अपना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, खुद से गाड़ी को हमने ड्राइव करके इसको चेक किया है। तो इतनी बड़ी गाड़ी अगर आपको 14-15 की माइलेज दे रही है, और तो फिर तो यार माइलेज इज़ गुड, अच्छी माइलेज मानी जाती है। बट बिग साइज़ SUV के अंदर इतनी अगर मिल रही है, तो मेरी फॉर्चूनर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को 9 या 10 की माइलेज देती है वो। तो चलिए ये था हमारा माइलेज टेस्ट, जिसमें स्कॉर्पियो N काफ़ी अच्छा खासा स्कोर करती है। 14.86 की मैंने माइलेज यहाँ पर निकाली है, और अच्छी माइलेज है यार, नॉट बैड। फिर मिलते हैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय।